एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, आई विल मेंशन माय हैंडल समवेयर हेयर। आप लोग जाइए मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो पे वापस आइए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था आस्किंग यू गाइज कि अगर आपको एक कोरियन मेकअप वीडियो चाहिए या नहीं, एंड अ लॉट ऑफ यू वोटेड फॉर इट, सो हियर इट इज़। तो मैं इस वीडियो में फॉलो करने वाली हूँ कोरियन स्टाइल मेकअप, और मैं कोई भी कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट विद ऑल दी affordable products that I own. So without further ado, let's get started. All right, so Korean makeup में सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है skin care, and Koreans अपने skin care पे बहुत ज़्यादा focus करते हैं। तो मैंने अच्छे से अपने face को exfoliate कर लिया है, tone कर लिया है, and now I'll start with moisturizer. सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अरोमा मैजिक का ये जुनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ सो दैट मुझे ग्रीसी फील ना हो बिल्कुल भी। और अगर आप चाहते हो इस पे मैं एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस। मैं इसको बिल्कुल भी रब नहीं करूँगी, मैं जस्ट पैट पैट करके इसको अपने स्किन में अब्सॉर्ब होने दूँगी। ओके राइट, सो मूविंग ऑन टू प्राइमर। मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, एंड मैं सारे प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक इट आउट। एलोवेरा जेल बेसिकली मुझे एक हाइड्रेटिंग लुक देगा, मेरी स्किन में एक नेचुरल शाइन ऐड करेगा, एंड ऑब्वियसली एलोवेरा जेल एक अच्छे प्राइमर की तरह एक्ट तो करता ही है। सो मैंने इसको फ्रिज में स्टोर करके रखा था टू गेट दैट कूलिंग इफेक्ट। मैं हमेशा अपने एलोवेरा जेल को फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ टू गेट दैट कूलिंग इफेक्ट। सो समर्स में ये बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। इस तरह से मैं अपने स्किन पे ये भी अप्लाई कर लूँगी। ओके, सो मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वैसलीन लिप बाम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स एज वेल। ओके, सो मैं एक ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ, तो जहाँ कहीं भी मेरे फेस पे मुझे डिसकलरेशन फील हो रही है कि है, मैं उसे कवर कर लूँगी। सो बेसिकली मैं अंडर आईज पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, लिटिल बिट अराउंड माई माउथ। सो कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद मैं इसे पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो फाउंडेशन और कलर करेक्टर आपस में मिक्स ना हो। ओके, सो मैंने अच्छे से कलर करेक्टर को सेट कर लिया है, अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। सो मैं अच्छे से फाउंडेशन को अपने फेस पे और नेक पे ब्लेंड कर लूंगी। ऑलराइट, सो मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टी जोन और आईज़ को अच्छे से पाउडर से सेट करूँगी, एंड बाकी एरियाज़ पे मैं बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाऊँगी, बिकॉज हमें एक ड्यूई लुक चाहिए। माय अंडर आईज, माय आईलिड्स, नोज़ ऑफ कोर्स, हल्का सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्माइल लाइंस फॉर्म हो जाते हैं, एंड हल्का सा ऑन फोरहेड। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द ब्राउज। सो कोरियंस के ब्राउज जो है वो बहुत स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल भी आर्च नहीं होते, एंड आई हैवन्ट गॉट माय ब्राउज डन, ताकि वो आर्च और ज़्यादा प्रिसाइज ना दिखे। सो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको स्ट्रेट फिल करूँ और ड्रॉ करूँ। सो कोरियंस बेसिकली फिल देयर ब्राउज विद एन एशी ब्राउन और एन एशी ग्रे सॉर्ट ऑफ शेड। सो मैं ये शेड ले रही हूँ राइट हियर। बिल्कुल भी आर्च ना दिखें ब्राउज, बिल्कुल स्ट्रेट फिल करूंगी इस तरह से। ओके, सो मैंने अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया, और मैंने कोशिश की है कि मैं इनको बहुत थिक और स्ट्रेट ड्रॉ कर सकूं। और अगर आप फिर भी फिगर आउट नहीं कर पाओ कि आपको किस तरह से स्ट्रेट आईब्रोज फिल करने हैं, सो आप मिरर में अपने आईब्रोज को थोड़ा सा स्ट्रेस करके देख सकते हो कि वो स्ट्रेट है या आर्च्ड है, कुछ इस तरह से। ऐसे करके आपको
आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट आपके आईब्रोज दिखने चाहिए. एंड कोरियंस के बेसिकली थोड़े से ब्रॉड और शॉर्ट आईब्रोज होते हैं, बट बहुत ज़्यादा आर्च्ड नहीं होते, स्ट्रेट होते हैं. सो आई समहाउ ट्राइड टू अचीव दैट एंड दिस इज प्रीटी मच इट. ओके, सो कमिंग ऑन टू आईज, आई शैडोज में बेसिकली कोरियंस गो फॉर कोरल्स एंड पिंक्स, तो वो बहुत ज़्यादा शिमरी आई शैडोज यूज़ करना पसंद करते हैं. मैं अपनी आईलिड्स के लिए ऐसा वाला कुछ पिंक शेड ले रही हूँ, और क्योंकि कोरियंस के मोनोलिड्स होते हैं तो वो बिल्कुल भी क्रीज डिफाइन नहीं करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं आई शैडो. तो अब मैं सेम शेड लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, बट सिर्फ आउटर कॉर्नर पे. सो कमिंग टू द आईलाइनर, कोरियंस बहुत ही थिन आईलाइनर अप्लाई करते हैं, एंड आज मैं एक ब्राउन आई शैडो से आईलाइनर ड्रॉ करूंगी फॉर अ सॉफ्ट लुक. सो अब मैं आउटर कॉर्नर पे एक विंग क्रिएट करूंगी, जिसके लिए मैं लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ. बट ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा थिन आईलाइनर ड्रॉ करें. ओके, सो आईलाइनर इज डन. अब बारी है लोअर लैश लाइन की. तो जो हमारे अंडर आई बैग्स होते हैं, कोरियंस उनको बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट करते हैं, बहुत हाईलाइट करते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट क्यूट. सो हम भी वही करने वाले हैं. तो अब मैं लेने वाली हूँ एक लाइट शिमर आई शैडो, और जब हम मिरर में स्माइल करके देखेंगे तो हमारे ये फ्लफी एरियाज बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और हम इन्हीं को हाईलाइट करने वाले हैं. सो कोरियंस की आईलैशेस बहुत स्ट्रेट होती हैं, इसलिए हम आईलैशेस को कर्ल नहीं करेंगे और डायरेक्टली मस्कारा अप्लाई करेंगे. कोरियन मेकअप में किसी भी तरीके की कॉन्टोरिंग नहीं होती है, वो सिर्फ शेडिंग प्रेफर करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नोज़ पे, चीक्स पे वो इतना कुछ नहीं करते हैं ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग. तो अब बारी है ब्लश की, और कोरियन मेकअप में सबसे ज़्यादा फोकस उनके ब्लश पे होता है, एंड यू नीड टू गो ओवरबोर्ड विद द ब्लश. ओके, सो मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लश, एंड आई एम लुकिंग मच pinkier right now. So अब बारी है सबसे important part की, and that is lips. So Korean makeup में gradient lips बहुत ज़्यादा popular है, और आज मैं वही create करने वाली हूँ, and I'm going to be creating a red gradient lip. सिर्फ inner area में लगा रही हूँ. मैं उसी ब्यूटी स्पंज को यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, और इसमें अभी वो लेफ्ट ओवर फाउंडेशन होगा, तो इसी को मैं अपने लिप्स के ऊपर डैब कर लूँगी फॉर द ग्रेडिएंट इफेक्ट. फाइनल स्टेप है मेकअप फिक्सर. All right, so this is the final look. I hope I am looking a little bit Korean, but मैंने बहुत कोशिश की ये look अचीव करने की, and मैं बहुत खुश हूँ. The way it turned out is super cute, and I loved this look on me. So अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये look कैसा लगा. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे शीक. बाय.